राहुल जी, आपको तो पता ही है कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो सच उगलवाती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जिस लाल टोपी वाली पार्टी से हाथ मिला रखा है, उसके एक नेता कह रहे थे कि दलित और पिछड़े हिंदुओं को जो आरक्षण मिला है वो मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए था। संविधान को बदलने की जरूरत है। देखिए भैया, आपने तो सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, हम उनसे कोई कम थोड़ी हैं। और वो नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर धोखे से भी हमारी सरकार आई तो हम संविधान को उलट पलट कर देंगे, दलित और पिछड़े हिंदुओं का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे। तो इसका मतलब है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तो और, मोदी जी ने जो राम मंदिर बनवाया है उस पर सबसे पहले बाबरी ताला लगाने का काम इंडी गठबंधन की सरकार करेगी अगर सत्ता में आ गई तो। इंडी गठबंधन की सभा ने तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई, तो इस बार जनता किसको जिताएगी? देखिए भैया, अब भी कोई बताने की जरूरत है? जाहिर सी बात है, जब हमारी सरकार ने अपने समय में हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों को सत्कार किया है तो अब हमें वोट कौन देगा? इस बार तो करके 400 पार फिर से आ रही है मोदी सरकार। राहुल जी, आपने तो जनता की आंखों के सामने से पर्दा ही हटा दिया। इस बार हिंदुस्तान की जनता हिंदी गठबंधन को भगाएगी और फिर से कमल खिलाएगी। अरे यार, ये मैंने क्या कह दिया? अब तो सपा भी मुझे गरियाएगी और मम्मी मार मार के मेरा भुर्ता बनाएगी।